हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट आई यू में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं साइंस को लेके, ये साइंस में जो है बायोलॉजी से स्टार्ट कर दिया जाए। तो आज की वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि आज से जो है हम एक इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का जो एक इंट्रोडक्शन है उसको करेंगे, ठीक है। और कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इन सब का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे। और उसके बाद कैसे कैसे हम लोगों को पढ़ना है आगे, मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा आप लोगों को पूरी डिटेल में। अगर आप किसी भी एग्जाम को देने वाले हैं, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, इतने लेवल पे मैं आप लोगों को करवा दूंगा चीजें कि आपको वहां पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान मत होना, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे एक एक करके चीजों को चलेंगे, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं, पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं बायोलॉजी का। मैं आप लोगों से आज सिलेबस के बारे में और कुछ चैप्टर्स के बारे में डिस्कशन करूंगा, और हमें कैसे पढ़ना है वो डिस्कशन करूंगा, और इसके साथ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो भी स्टूडेंट जो है एफ कैट की तैयारी कर रहे हैं वो मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं टेक्स्ट बुक पे। ये मेरा बैच है, मैं जनरल अवेयरनेस पढ़ाता हूँ टेक्स्ट बुक पे, तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेक्स्ट बुक की तरफ से एक स्मार्ट बुक अभी लॉन्च होने वाली है, ठीक है। अभी इसकी बुकिंग चल रही है 4,000 स्मार्ट क्वेश्चन के ऊपर, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन बुक बनाई गई है, स्मार्ट बुक है टेक्स्ट बुक की। क्या क्या चीजें हैं इसमें देखो, जैसे कि पता है क्या है इसमें, जैसे क्वेश्चन जितने भी दिए होते हैं क्वेश्चन के नीचे टाइमिंग दिया हुआ है कि एवरेज टाइमिंग कितना है। तो जब भी आप क्वेश्चन करोगे कोई सा भी क्वेश्चन, तो आपको वहां पे दिख जाएगा कि एवरेज टाइमिंग कितना करना चाहिए, ठीक। और फिर चैप्टर जो होते हैं चैप्टर, उनका ऊपर एक क्यूआर कोड दिया है कि क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करोगे गूगल प्ले स्टोर से, कोई सा भी आप क्यूआर कोड स्कैनर डाउनलोड करना और यहाँ पे स्कैन करोगे तो कॉन्सेप्ट वाइज चीजें आ जाएंगी। इसके साथ साथ इस बुक में जो है आंसर में यहाँ पे ये भी दिया गया है कि कितने परसेंट लोग कौन से क्वेश्चन को छोड़ते हैं, कितने क्वेश्चन जो है करेक्ट करते हैं। तो ओवरऑल जो है एक अच्छा कॉम्पिटिशन के बारे में जानकारी हो जाएगी। तो ये हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में बुक है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी दोनों बुक्स हैं वाली, ठीक है। कि जो है प्री बुकिंग स्टार्ट हो रखी है, अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर प्री बुकिंग करनी है तो बुकिंग कर सकता है। अभी कुछ ऐसा ऑफर चल रहा है इसमें कि अगर 10,000 बुक तक प्री बुकिंग हो जाती है तो 40% का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि मैंने अभी चेक किया तो 6,500 समथिंग जो है, 6,000 से ऊपर, मोर देन 6,000 जो है वो प्री बुकिंग हो चुकी है। आप लोग भी प्री बुकिंग कर सकते हैं और आप चेक भी कर सकते हैं कितने लोगों ने बुक कर दिए। मैं लिंक डाल दूंगा नीचे, वहां पे चेक कर लेना कि अगर 10,000 जैसी हो जाती है तो 30 तारीख को ये लॉन्च होगी, 30 तारीख को। तो 30 तारीख तक जो है अगर 10,000 बुक हो जाती है तो 40%, ठीक। तो हम एक एक करके स्टार्ट कर दे कुछ चीजों को, पहले एक कोटेशन के साथ। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ, एक कोटेशन है आप लोगों के लिए मोटिवेशन के लिए। अगर आप स्वयं हार नहीं मानते तो यकीन मानिए दुनिया की कोई सी भी ताकत नहीं है जो आपको हरा दे, ठीक है। और सुल्तान का भी डायलॉग, जब तक आप खुद से ना हार जाओ तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता, ठीक। तो सबको पता है कि ग्रुप डी में तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है साइंस जो है, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस सेक्शन ऐसा सेक्शन है जिसमें जो आपको दूसरे स्टूडेंट से आगे ले जा सकता है। तो हम बायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। कुछ आज के जो बेसिक टर्म है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, वैसे तो इंग्लिश में ज्यादातर है, कुछ आज के जो टर्म है वो इंग्लिश में है। बाकी जो हमारी क्लासेस चलेंगी मंडे से, हम अपने बैच को स्टार्ट करेंगे मंडे से, और मंडे से जो क्लासेस चलेंगी वो क्लासेस में आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। आज हम थोड़े बहुत बेसिक से जानकारी लेंगे ये बायोलॉजी है क्या, ये बायोलॉजी जो है इसके टर्म को, ठीक है, ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, बायोस से और आपका लोगिया, ठीक। ये ग्रीक वर्ड है, बायोस का मतलब होता है लाइफ, ठीक, या फिर लिविंग्स, और लोगिया का मतलब होता है स्टडी, यानी लाइफ की जो स्टडी होती है उसके बारे में जो जितना भी पढ़ाई होती है वो सारी हमारे बायोलॉजी की ब्रांच में आती है। पेपर में सिंपल क्वेश्चन आता है कि बायोलॉजी का जो टर्म है ये किसने दिया था, तो आप एक नाम याद करोगे, लैमार्क। लैमार्क का नाम याद रखोगे, वैसे तो कार्ल फ्रेडरिक है भी है साथ में, मगर आप लैमार्क का नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। लैमार्क के नाम ने, लैमार्क ने जो है इसको कॉइन किया था बायोलॉजी को, ये आप लोग सभी याद रखोगे। और अगर ये पूछा जाता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो आप इनका नाम याद रखोगे, एरिस्टोटल, अरस्तु। कभी कभी एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आते हैं किस चीज का फादर कौन है, तो वो मैं यहाँ पे 4-5 चीज आपको दिखाना चाहूंगा, ये डायरेक्ट आप लोग याद कर सकते हो। उसके बाद फिर जो है सिलेबस का डिस्कशन करेंगे और मैं आप लोगों से फिर क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करूंगा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो लैमार्क ने किया था। आप इस चीज को हटा देना, सबसे पहले लैमार्क इंपॉर्टेंट है, लैमार्क का नाम याद रखोगे। उसके बाद अगर पूछा था कि बायोलॉजी या फिर जूलॉजी, जूलॉजी बायोलॉजी में एक जंतुओं की ब्रांच होती है, ठीक है। बायोलॉजी के अंदर ही दो ब्रांचेज होती हैं आपकी, एक बॉटनी एक जूलॉजी, तो दोनों ब्रांचेज अलग अलग हैं। तो आप लोग जूलॉजी में याद रखोगे जूलॉजी के जनक है वो अरस्तु हैं, और बायोलॉजी के जनक जो है वो भी अरस्तु हैं। मगर अगर बॉटनी के बारे में पूछा जाता है कि बॉटनी के जनक कौन है, तो वो थियोफ्रेस्टस है, थियोफ्रेस्टस, ठीक है। फिर अगर पूछा जाता है कि मेडिसिन के जनक कौन है, चिकित्सा शास्त्र के, तो हिप्पोक्रेटस।
नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा जब भी हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ पे जो है इनका हिपोक्रेटस का एक बहुत बड़ा चार्ट सा लग रहा होता है, हिपोक्रेटस ओथ भी दिलाई जाती है डॉक्टर्स को। ठीक है, अगर केमिस्ट्री के बारे में आता है केमिस्ट्री का जनक तो लेवेजियर, और अगर अनुवांशिक जेनेटिक्स के बारे में आता है तो आप याद रखोगे ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक, उसके बाद यहाँ पे कुछ और चीजें हैं जैसे फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान के जनक। साइटोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ सेल को, स्टडी ऑफ सेल। ठीक है, कोशिका विज्ञान के जनक जो है रॉबर्ट हुक है, यह आप याद रखोगे। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म विज्ञान के जनक जो है वो लुई पाश्चर, इनका नाम याद रखोगे। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, सबसे पहले बैक्टीरियोलॉजी के जो फादर हैं, ठीक है, यानी बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी, एंटोनियो वॉन लेवनहॉक ने, और इन्होंने किसमें की थी, माइकोप्लाज्म के अंदर, माइकोप्लाज्म के अंदर। ठीक, फिर फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर, इनका नाम याद रखोगे आप। ठीक है, फादर ऑफ वायरोलॉजी स्टैनली, इनका नाम याद रखोगे। ठीक है, कंपैरेटिव एनाटॉमी CQV, फादर ऑफ मेडिसिन आप लोग पढ़ चुके हो हिपोक्रेटस। ठीक है, फादर ऑफ म्यूटेशन थ्योरी ह्यूगो द वेरियस, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में विलियम हॉर्वे ने बताया था, और लास्ट में आपको इकोलॉजी के बारे में याद रखना है लेटर। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको डायरेक्ट पेपर में खुजी जाएंगी, इसमें कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है, इसको डायरेक्ट सिर्फ याद करना है। ठीक है, ये सिर्फ याद करने वाला पोर्शन है, इसमें समझने वाला कोई भी चीज़ नहीं है। अब हम अपने चैप्टर की शुरुआत जो करेंगे वो कहाँ से करेंगे, ये तो सिर्फ बेसिक से जो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपके लिए इनपुट कर दी है कि अगर किसी का हाल फिलहाल में कोई क्वेश्चन है तो वो इनको पढ़ सकता है, ये उसके पेपर में ही आ सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमें एक एक चैप्टर करके क्वेश्चन को सॉल्व करने, सबसे पहले हमें चैप्टर की थ्योरी पढ़नी, थ्योरी का डिस्कशन करेंगे, थ्योरी के बाद हम जो है MCQ करेंगे। जैसे सबसे पहले हम जो है ब्लड से स्टार्ट करेंगे, जो आपका ब्लड है, तो ब्लड में आप लोगों को नॉर्मली पता है कि बेसिकली आपको पता है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है ब्लड जो होता है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। ठीक है, आपका प्लाज्मा और जो ब्लड सेल होती है, ब्लड सेल्स, इससे मिलकर बना होता है। प्लाज्मा हमारा 55% होता है और जो ब्लड सेल्स होती है वो 45% होती है। इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि RBC क्या होता है, RBC, WBC क्या होता है, और आपका प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लेटलेट्स जो होता है वो क्या होते हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, कितने दिन तक जीवित रहती हैं। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि सेल का RBC का जो कब्रिस्तान है वो किसको कहा जाता है, आप लोगों को बताना है रेड ब्लड सेल का जो कब्रिस्तान है, ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स RBC का कब्रिस्तान, वो किसको कहा जाता है। तो ब्लड को पूरा ओवरऑल डिटेल में पढ़ेंगे हम, किस तरीके से कनेक्टिव टिश्यू होता है या किस तरीके से। इसके बाद फिर हम स्केलेटन सिस्टम को पढ़ेंगे पूरा, 206 हड्डियों के जो नाम है वो मैं आपको याद करा दूंगा ट्रिक के थ्रू, किस किस तरीके से क्वेश्चन इससे बनते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन क्या रहता है वो सब हम देखेंगे। एक छोटी सी चीज़ आप याद रखो, जैसे मान लो कि आपकी ये दो हड्डियाँ होती हैं, दो हड्डियाँ, ठीक है, ये आपकी दो हड्डियाँ हैं मान लो। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हड्डियाँ जो होती हैं, हड्डियाँ उसमें से लिगामेंट कौन सा होता है, वो सब चीज़ों को देख लो आप आज। ठीक है, जो हड्डियाँ होती हैं, हड्डियाँ दो हड्डियों को जो कनेक्ट करता है, ये जो ब्लू वाला मैंने बनाया है यहाँ पे, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये ब्लू वाला जो है जो आपकी बोन को बोन टू बोन कनेक्ट कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये बोन से बोन जो कनेक्ट करता है इसको हम लिगामेंट बोलते हैं, लिगामेंट। ठीक है, इसी तरीके से जो आपके बोन के ऊपर लगा होता है, बोन के ऊपर जो लगा होता है, मान लो यहाँ पे जो है एक लेयर लगी हुई है आपकी लेयर। ठीक है, ये जो लेयर होती है, ये इस लेयर को जो है कार्टिलेज बोला जाता है, कार्टिलेज। ठीक है, इसके अंदर कुछ फ्लूड भी पाया जाता है, फ्लूड इन लेयर के अंदर कुछ फ्लूड पाया जाता है, इस फ्लूड को जो है साइनोवियल फ्लूड कहते हैं, साइनोवियल फ्लूड। और इसके बाद जो है लास्ट यहां पर जो है मान लो एक मास है हड्डियों के ऊपर, क्योंकि मास होता है ये, पूरा समझ लो आप लोग, मास है ये, मास। ठीक, तो जो हड्डी को मास से कनेक्ट करता है, यानी बोन टू मसल, बोन टू मसल, बोन टू मसल जो कनेक्ट करता है उसको हम टेंडन। ठीक है, टेंडन। तो ये कुछ चीजें हैं पेपर में पूछी जाती है, टेंडन क्या होता है, कार्टिलेज क्या होता है, लिगामेंट क्या होता है, साइनोवियल फ्लूड कहाँ पाया जाता है, ये आपको पूरा पता होना चाहिए। 206 हड्डियों के, 206 हड्डियों में आपको याद कराऊंगा एक ही क्लास के अंदर। ठीक, पूरा डिटेल में। ठीक, हमारा रिब केज में ट्रू पेयर कौन से होते हैं, फॉल्स पेयर कौन से होते हैं, फ्लोटिंग पेयर कौन से होते हैं। ठीक है, जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, बॉल जॉइंट, सॉकेट जॉइंट। ठीक है, इन सब चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। स्कल में कितनी हड्डियाँ होती हैं, हर एक चीज़ का हम सेपरेट एक क्लास में डिस्कशन करेंगे,
स्केलेटल सिस्टम में, ठीक है। कल हम लोगों को सेल पढ़नी है, लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अगर इसको देखा जाए तो सबसे पहले जो है सबसे छोटी जो इकाई है हमारी लाइफ की वो सेल होती है। कई सारी सेल्स मिलकर एक छोटी सेल होती है, कई सारी छोटी छोटी सेल्स जो होती हैं ये मिलकर जो है आपका टिश्यू को बनाती हैं, टिश्यू का निर्माण करती हैं। कई सारे टिश्यू मिलकर जो है ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं, कई सारे ऑर्गन्स मिलकर जो है हमारे ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, और कई सारे ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं, यानी हम लोग बनाते हैं ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। तो सेल जो होती है सबसे छोटी यूनिट होती है, जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। सेकंड चैप्टर हमें जो है सेल के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद हम लोगों को टिश्यू के बारे में पढ़ना है कि टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, ठीक, आपका नर्वस टिश्यू क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू क्या होता है। इसी तरीके से हमें सेल के बारे में पढ़ते हैं कि सेल में माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन क्या होता है, ठीक। आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि सेल के अंदर जो एनर्जी होती है, एनर्जी जो बनती है वो एटीपी की फॉर्म में बनती है। आपको आंसर करना है कि एटीपी की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो हमें सेल की बिल्कुल बेसिकली सब चीज़ें जानकारी लेनी है कि सेल कितने टाइप की होती है, उसका डिवीजन कैसे होता है, मिटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, एमिटोसिस क्या होता है। हर एक चीज़ मैं आप लोगों को उस लेवल पे करा दूंगा कि आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। सेल और टिश्यू का चैप्टर करने के बाद जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम पूरा ओवरऑल सब चीज़ों को देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है ऑक्सीजन को लेते हैं और उसके बाद एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, किस तरीके से हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है ऑक्सीजन से कन्वर्ट होकर और बाद में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, एल्वियोली का क्या रोल होता है, फेफड़ों का क्या रोल होता है, नेसल कैविटी का क्या रोल होता है, जो नसी का होती है ये, ठीक है, उसका क्या रोल होता है। हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद जो है हमें नर्वस सिस्टम को पढ़ना है, जो मस्तिष्क है हमारा, मानव मस्तिष्क, इसके बारे में हर एक चीज़ को, सेरिबलम क्या होता है, ठीक है, वेट कितना होता है, किसका क्या फंक्शन होता है। क्वेश्चन में आप लोगों से यहाँ पे एक पूछ सकता हूँ सेरिबलम से रिलेटेड, कि अगर सेरिबलम से रिलेटेड अगर एक क्वेश्चन में आपसे पूछता हूँ कि जो शराबी होते हैं, शराबी होते हैं जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, शराबियों को जो बैलेंस होता है ना, बैलेंस जो लड़खड़ाते हैं, वो किसकी वजह से बिगड़ता है, मतलब उनका ब्रेन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो इफेक्ट करता है और उनका जो है बैलेंस बिगड़ जाता है, सेरिब्रम या फिर मेडुला ऑब्लिगेटा। आप इनमें से बताएं कि मुझे शराबियों का कौन सा ऐसा पार्ट है जो बैलेंस बिगाड़ देता है उनका, ठीक। तो इसको पूरा पढ़ेंगे। न्यूरॉन्स कितने टाइप की होती हैं, किस जगह पे कौन सबसे बड़े, कैसे कैसे होता है, डिवीजन होता है या नहीं होता, वो सब चीज़ों का डिस्कशन करेंगे हम नर्वस सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट फिर डाइजेशन सिस्टम पढ़ना है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों को डिस्कशन करना है कि किस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है हमारा। माउथ से स्टार्ट होता है सबसे पहले, मुंह से, ठीक है, मुख गुहा से, यहाँ से हमारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर हमारी जो ग्रास नली है इसोफेगस में, फिर स्टमक में, फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। जो हमारी ग्रास नली है यहाँ से हमारे आमाशय में, आमाशय से छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक, और बड़ी आंत के थ्रू जो है फिर हमारा बाहर निकल जाता है। पूरा प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, कौन कौन सी बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, उनका क्या क्या रोल रहता है। क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर पूछा जाता है कि मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है, आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछ चुका हूँ, एक मास्टर ग्रंथि का बताना है कि आपको मास्टर ग्रंथि जो है किसको कहा जाता है, ठीक। उसके बाद हम जो है प्लांट्स का डिस्कशन करेंगे, प्लांट्स का डिटेल में, कि पूरा प्लांट किंगडम किस तरीके से होता है, ब्रायोफाइटा, ठीक है, टेरोफाइटा, इसके जो टिश्यू होते हैं, वैस्कुलर टिश्यू कौन कौन से होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा, ये क्या होते हैं, ठीक है, और आपका फिर जाइलम, फाइलम, इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, किस तरीके से ये होते हैं, पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और फिर हम जो है अपना एक करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल के बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, टैक्सोनॉमी के बारे में, ठीक है। तो आप लोग बताना है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो है वो कौन है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है, वर्गीकरण का पिता जो है वो कौन है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम। एनीलिडा क्या होते हैं, कॉर्डेटा क्या होते हैं, मोलेस्का क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है अपनी आने वाली क्लासेस में। बस शर्त ये है कि अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा, अगर सारे स्टूडेंट मिलकर देखते रहेंगे वीडियो को और रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, तो हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। और अगर बहुत ही कम स्टूडेंट देखेंगे, कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा आप लोगों की तरफ से, तो फिर उसको आगे बढ़ाए कोई फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो सपोर्ट दिखना चाहिए मुझे भी कि हाँ आप लोग देख रहे हैं। क्लासेस को हम स्टार्ट करेंगे, डेफिनेटली कंटेंट में कोई कमी नहीं आएगी, मगर एटलीस्ट थोड़ा बहुत सपोर्ट होना चाहिए कि आप लोग उसको शेयर करेंगे, तो डेफिनेटली आपको जीएस में कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी मेरे लेक्चर्स में आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा कंप्लीट, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है।
तो जो नए स्टूडेंट है वो चैनल के साथ मेरे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मंडे से जो है हम स्टार्ट करेंगे, एक एक लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, और आप लोग मुझे बताना कि आपको लेक्चर किस तरीके से लग रहे हैं, कैसे इंटरेक्टिव हैं या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अपना। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।